योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला अवसर है जब गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर के गौरव से जुड़ी एक परंपरा है जिसका निर्वहन गत वर्षों से किया जा रहा है, इसलिए सीएम सिटी होने के नाते पूरा का पूरा प्रशासनिक महकमा इस आयोजन को शानदार तौर पर कराने के लिए कमर कस चुका है। क्योंकि जब बात गोरखपुर महोत्सव की आ जाती है तो गोरखपुर न्यूज ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए इसके बारे में गोरखपुर महोत्सव के उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी राजीव रौतेला से गोरखपुर न्यूज ने एक खास बातचीत के दौरान इस महोत्सव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया जा रहा है काफी विशाल है, तो भव्यता को देखते हुए क्या क्या इंतजाम होंगे? देखिए, ये आपने सही कहा, ये विशाल भी है और एक विलक्षण आयोजन है और गोरखपुर में इस तरह का आयोजनों का इतिहास नहीं है। इससे पहले वर्ष 2016 में आयोजन हुआ था और दो वर्ष के अंतराल के बाद ये हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इस आयोजन के जो आयाम है वो बहुत बड़ा है। हम लोग परसों यानी 11 को इसका उद्घाटन कराएंगे और प्रदेश के माननीय महामहिम वो आके इसका उद्घाटन करेंगे और 11 से ही हमारा परसों से सारे हमारे इवेंट शुरू हो जाएंगे। 11 को चलेगा, 12 को पूरे दिन चलेगा और 13 को अपराह्न में माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका समापन समारोह करेंगे। इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे इस जनपद को और महानगर को शोकेस करेंगी वो हमने इसमें सम्मिलित की है। बच्चों से शुरू करें तो बच्चों की एक्टिविटीज़ के जितने भी फील्ड्स होते हैं, चाहे वो एसे राइटिंग हो, चाहे वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो क्विजिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डिबेट्स हों, गेम्स हों, स्पोर्ट्स हों, सॉन्ग एंड डांस हो, सिंगिंग हो, ये सब हमने इसमें सम्मिलित करके उनके कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं। तो एक तो तीनों दिन ये प्रतियोगिताएँ चलेंगे। स्पोर्ट्स में भी इसके बहुत से फील्ड्स हैं, जैसे यहाँ का बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है कुश्ती, तो कुश्ती हम लोग करा रहे हैं। सर पहली बार राइफल कंपटीशन? हाँ बता रहा हूँ, तो कुश्ती हो रही है। कबड्डी यहाँ का बड़ा पॉपुलर गेम है बिहार क्षेत्र का, तो कबड्डी हम लोग करा रहे हैं, वॉलीबॉल करा रहे हैं, बैडमिंटन करा रहे हैं। आपने सही कहा, शूटिंग कंपटीशन भी एक बड़े व्यापक रूप में है। यहाँ का जो रेलवे पुलिस का जो स्पेशल फोर्स है उसके फील्ड में उसका जो शूटिंग रेंज है वहाँ पर ये हो रहा है। इसके अलावा हम लोग एक हाफ मैराथन भी करा रहे हैं, उसमें भी हम, क्योंकि प्राइस है उसमें, तो आसपास में जितने भी हमारे आसपास के जिलों के भी हमारे अच्छे रनर्स हैं वो लोग उसमें आएंगे। इसके अलावा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो भी बड़ी स्ट्रांगली हो रही हैं। हम लोग एक टैलेंट हंट का एक प्रोग्राम करा रहे हैं, तो हमारे पूरे ज़िले के बच्चे उसमें बहुत दिनों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो लोग जो अच्छे विनर्स हैं उन लोगों को हम लोग मेन स्टेज पर उनका पार्टिसिपेशन करा के उनका प्रेजेंटेशन कराएंगे। इसके अलावा हमारा जो पूरा ये परिसर है इसमें हम लोग जैसे साइंस एग्जीबिशन करा रहे हैं, हमारी एक विकास कार्यों की प्रदर्शनी हो रही है, हमारी कृषि कार्यों की प्रदर्शनी हो रही है, हमारा वेजिटेबल एंड फ्लावर शो हो रहा है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर एक्सपो का एक शो हो रहा है जिसमें हमारे जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं ऑटोमोबाइल्स के वो आ रहे हैं। हम लोग बच्चों के लिए एक पूरा गेम जोन बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक पूरा फूड जोन बना रहे हैं। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होने वाली हैं और जो एक शिल्प मेला लगने वाला है उसमें पूरे देश से शिल्पी आ रहे हैं और वो शिल्प मेला हमारा 11 से 13 के अलावा 17 तक चलेगा, पूरा एक वीक चलेगा। तो ये पूरा एक फुलसम प्रोग्राम है और इसमें हम लोग कल्चर की दृष्टि से जैसे यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी के नाम से गोरखपुर जाना जाता है तो उनके ऊपर भी एक प्रदर्शनी लग रही है। इसके अलावा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसकी भी हम लोग प्रदर्शनी लगा रहे हैं, उसका भी हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं। तो इस तरह से आप ये देखेंगे, इसके ऊपर जो हमारा ये पर्यटन है इसके ऊपर भी प्रदर्शनी लग रही है। तो ये पूरा एक ऐसा कंपोजिट एक समेकित एक आयोजन है जिसमें ना केवल गोरखपुर के जो निवासी हैं, पूरे ज़िले के आसपास के जनपदों के निवासी भी यहाँ पर आएंगे, ना केवल वो अपना मनोरंजन करेंगे साथ साथ कई ज्ञानवर्धक चीज़ें भी उनके लिए होंगी। तो ये एक बहुत ही व्यापक व्यवस्था है। नमस्कार गोरखपुर, मैं हूं शान, आप सबको नए साल के ढेर सारे मुबारकबाद। और एक और बात,
मैं खुद आ रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम गोरखपुर आप सबसे मिलने, आपके साथ बहुत सारे गाने झूमने नाचने ऑन द 13th of January 2018। मेरे साथ होंगे मशहूर कंपोजर ललित पंडित जी और एक जबरदस्त जबरदस्त म्यूजिकल बैंड। बस गोरखनाथ मंदिर भी दर्शन करना है, आप सबसे भी मिलना है। तो गोरखपुर, सी यू सून। यस, 13th of January 2018। सी यू देयर। मेरा नमस्कार, मैं हूं जतिन ललित में से ललित पंडित और मैं आपके शहर गोरखपुर आ रहा हूं 13 जनवरी अगले साल। और मेरे साथ होंगे बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शान, अनुराधा पोडवाल जी, भूमि त्रिवेदी, जिमी मोजू और बॉलीवुड का बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा और म्यूजिशियन हम सब साथ में होंगे और गोरखनाथ के हम दर्शन भी करेंगे और आप सबसे 13 की शाम को जरूर मिलेंगे। हम सब वहाँ परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं 13 को गोरखपुर महोत्सव में और मैं चाहूँगा कि आप सब जरूर वहाँ पे आए बड़ी संख्या में और उस शाम को एक रंगीन शाम और एक मेमोरेबल इवनिंग बनाए। थैंक यू। योगी बस रहे हैं नाथ योगी, रंग रहे हैं नाथ योगी, बस रहे हैं नाथ योगी।